अब तो देखो आम आदमी को बनाओ जी। अच्छा, मैं खुद बीजेपी के प्रशंसक हूँ, पर अब नफरत होगी इनसे। अच्छा, क्यों हो गया? बस कोई नहीं, दम नहीं है इनमें, कोई दम नहीं है। मतलब लोग भ्रष्टाचार से तंग आ गए, कहते थे भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार नहीं है। हाँ। है बहुत भ्रष्टाचार। वोट उसको दो सोच समझ गए भाई, हमारा ये काम करिए कल को भी, अपना पर्सनल काम के लिए नहीं भी, शहर विकास, शहर का साझा काम, वो एक विकास होता है। धर्म के नाम पर माना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में ऐसे में बांट दिए मार को, हैं कौन सी मस्जिद गए ना, कौन सा मंदिर गए ना, ये कोई बात थोड़ी है। जो ठीक है भैया, हम भी हिंदू हैं, वो भी हमारे भाई हैं, जिस देश में रह रहे हैं भी सांझे तौर पर। तो भाजपा का नहीं लगता भाई इसे? ऐसा नहीं भाई, हम जो एक फूट भाव राजनीति का ये नहीं है भैया, तो एक भैया एक धर्म के नाम पर वोट मांगा। भाजपा को हमने भी वोट दिया जी, मैंने खुद दिया जी वोट, लेकिन विकास नहीं हो पाया। विकास तो बड़ा हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। तो देखो चेयरमैन में जो भी हैं, अच्छा कोई आदमी खड़ा हुआ है जो सफाई कर सका है। विकास तो कभी सुरजेवाला के टाइम में होया था जी, मैं नहीं कहता कि मैं कभी वोट दी है या किए दिया, विकास सुरजेवाले के टाइम में होया, उसके बाद नहीं होया। फायदे का तो ये है, अगर कोई काम अच्छा करेगा तो फायदा सरकार का नहीं, हमारा होगा खुद का, ठीक है ना। अगर वो सोचेंगे हमने काम करना ही नहीं है, उन्हें अपना जेब भरनी है, तो कोई फायदा नहीं जी। सबसे बड़ी बात यह है कि आम जनता है, जो उनको परेशानी, किसी बात की परेशानी ना हो, चाहे तो वो कमेटी वाले आए चाहे कोई भी आए, चेयरमैन जो मर्जी बने, भी दिक्कत किसी को भी नहीं होनी। कैथल में मचा बवाल, क्या होगी अगली सियासी चाल? जैसे ही 19 तारीख को चुनाव की तारीख डिक्लेयर कर दी गई, नगर परिषद के चुनाव की बात कर रहा हूँ मैं, वैसे ही घमासान शुरू हो गया है, टिकट की दावेदारी शुरू हो गई है और रेस शुरू हो गई है चेयरमैन पद के लिए। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, अब की बार सरकार ने यह ऐलान कर दिया है कि चेयरमैन का चेहरा, यानी कैथल की अगर मैं बात करूं तो चेयरपर्सन यानी महिला की सीट आरक्षित है, चेयरपर्सन का चेहरा जनता खुद चुनना चाहेगी या जनता खुद चुन सकती है। तो हम विकास को ढूंढने के लिए चल चुके हैं और विकास हमें मिल चुका है, विकास हम दिखाएंगे। मेरे पीछे विकास लेटा हुआ है जी, हाँ, इस समय हम मौजूद है कैथल के रेलवे गेट पर, जहाँ पर विकास हमें मिल गया और विकास की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और अभी हम जनता से भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा उनका चेहरा है जो उनकी नज़रों में खरा उतरेगा, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और कैथल में चार चांद लगाएगा। तो आइए जान लेते हैं। मेरा नाम संजीव कुमार जांगड़ा है। चेयरमैन के चुनाव होने जा रहे हैं और महिला सीट यहाँ कैथल में बताई जा रही है, क्या क्या लगता है कि कौन विकास करवा सकता है? देखो जी, विकास तो ये है जो कितने सालों से आया। जी, किन के द्वारा विकास करवाया गया? ये विकास जी, भाजपा को हमने भी वोट दिया जी, मैंने खुद दिया जी वोट, लेकिन विकास नहीं हो पाया। विकास तो बड़ा हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। कहाँ वो कोई टिकट वगैरह गुम हो गया? मतलब विकास तो टिकट का तो देखो चेयरमैन में जो भी हैं, अच्छा कोई आदमी खड़ा हुआ है जो सफाई कर सका है। विकास तो कभी सुरजेवाले के टाइम में होया था जी, मैं नहीं कहता कि मैं कभी वोट दी है या किए दिया, विकास सुरजेवाले के टाइम में होया, उसके बाद नहीं होया। तो भाजपा से किस चेहरे को देखते हैं, या चाहे वो सुरेश गर्ग हो, क्योंकि आप देखते होंगे कि पोस्टर्स वगैरह बहुत लगे हुए हैं भाजपा के चेहरे के भी, या फिर ज्योति सैनी हो, या फिर संजय भारद्वाज हो, या फिर पाला राम सैनी है, काम करते हैं। देखो उन्होंने कोरोना काल आया, फीस माफ़ करी, और किसी ने फीस माफ़ नहीं करी, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, बस बातें तो बहुत कह दें जी, सब कह दें, मैं भी कह दूंगा, जो मैं बन जू तो मैं भी कह दूंगा, सारे ऐसे हैं। विकास तो करने, जो जीरो पे उतरेगा ना वही विकास कर सकता है। दफ्तर में बैठ कर तो हर कोई ही कलम उजवाता है, जमीन पे उतर के ही विकास होता है। हाँ जी, जमीन पे उतर के विकास होता है। दफ्तर में बैठे पीछे एसी होगा, एसी में ठंडक, वहाँ जी हो गया कलम, सफाई वगैरह की व्यवस्था बिल्कुल खराब नहीं जी, बिल्कुल जी, करना तो सिर्फ सुरजेवाले के टाइम में होया था जी। इमाम नानी बेटा किस तरह होया था, कैसे होया था, लेकिन सुरजेवाले के उससे पहले ही बहुत पार्टियां आई हैं और आकर चली गई। अभी किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं? मैं, अगर आपने भाजपा की पहले वोट दी थी तो मैंने चार नाम अभी आपको बताए, किसको? पल्ला राम सैनी को देंगे, लेकिन विकास तो जो करावेगा तो, लेकिन नू नहीं कह सकते कौन करावेगा कौन नहीं है। सारे जिस तरह ये है अपना कश्यप सी, वो उनका नाम आ गया, कहाँ खाया क्या खाया हमने नहीं पता। मामा आम बात, हम टैक्स दे सकते हैं हम, जब ये टैक्स दे दिया, यो काम तो उन्हें ना कराना ना सरकारी महकमा। पाला राम सैनी जी का कहना है कि अगर भाजपा टिकट नहीं देती है तो मैं आजाद लड़ूंगा, तो आजाद लड़ना चाहिए जी। अब आपके कब तक साथ दोगे किसी चीज का जी? जब बुराई होने लग रही है तो बुराई से दूर ही रहना चाहिए। तो बुराई की कौन सी पार्टी में है? बुराई तो सारी पार्टी है मैम जी, सारी टाइम हम आई है, लेकिन कोई अच्छा जो हो, जो विकास कर सके कैथल का, मैं तो कहूँ उस बंदे ने वोट देनी चाहिए, चाहे मैं भी हूँ चाहे कोई भी हो। अच्छा,
अच्छा, जो नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं चेयरमैन के, उससे उसको किस प्रकार से देखते हैं, कोई फायदा या नुकसान, क्योंकि जनता को चुनने जा रही है? फायदे का तो ये है, अगर कोई काम अच्छा करेगा तो फायदा सरकार का नहीं, हमारा होगा खुद का जी, ठीक है ना। अगर वो सोचेंगे हमने काम करना ही नहीं है, उन्हें अपना जेब भरनी है, तो कोई फायदा नहीं जी है। सबसे बड़ी बात यह है कि आम जनता है, जो उनको परेशानी, किसी बात की परेशानी ना हो, चाहे तो वो कमेटी वाले आए चाहे कोई भी आए, चेयरमैन जो मर्जी बने, भी दिक्कत किसी को भी नहीं होनी चाहिए। अगर नया चेयरमैन आएगा, अगर अच्छा नया चेयरमैन आएगा, अच्छा काम करेगा, तो उसमें हमारा फायदा होगा। किसको चेयरमैन के रूप में देख रहे हो, कोई नाम किसी पार्टी से या कोई आपके दिमाग में नाम हो? फिलहाल हमारे हिसाब से तो राम प्रताप गुप्ता के चर्चे हैं, बाकी आगे कुछ कह सकते हैं। जब पूरा लगता है कि राम प्रताप गुप्ता आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, देखो तो बाद में पता चलेगा उतरेंगे बनेंगे नहीं, तब की बात है। बाकी हमारी तो कोशिश ये है कि जो ही चेयरमैन बने अच्छा बने, भी हम सबको ध्यान में रख के अपनी सरकार वो चलाएं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरजवान है जी। सर, नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं और जो चेयरपर्सन का चेहरा है वो जनता आपकी बार खुद चुन सकती है, सरकार ने यह मौका दिया, किस प्रकार से देखते हैं? देखो जी, पहली बात तो कोई साफ छवि वाला नेता होना चाहिए जी, कोई भी हो जी, आप हो चाहे मैं क्यों ना हूँ जी, जिसकी साफ छवि नहीं उसको वोट भी देने का कोई अधिकार नहीं है। वोट उसको दो सोच समझ गए भाई हमारा ये काम करे कल को, भी शहर अपना पर्सनल काम के लिए नहीं, भी शहर विकास, शहर का साझा काम, वो एक विकास होता है। ये मान ले भी विकास नहीं, मान ले मैंने मेरा काम करवा लिया आपसे, भाई मैं तो खुश हो गया मेरा काम कर दिया चेयरमैन साहब, वो काम नहीं, भी सभी विकास सारे सबको एक समान। क्या लगता है कि विकास हुआ या नहीं हुआ इन 5 सालों में? कोई विकास नहीं हुआ। हम जो हमारे पहले MC थे ना, वो है गोपाल सैनी थे, हम उनके पास एक वो रखा मन है छोटा सा, एक तुरा लाइट लग जाए भाई, एक टूंटी, ये टूंटी थी ना जो ये देख रहे हैं आप, ये टूंटी हमने खुद के पैसे दे के बटले करके दुकानदारों ने, जब हमने उसने ये टूंटी ही पड़वा दी थी। अच्छा, लगी हुई पड़वा दी, ये नए सिरे से कनेक्शन करवाया हमने भाई, मैं कल्ला थोड़ी पानी पीता हूँ इसका, सारी मार्केट पानी पीवे इसका है, हमने 3-4 आदमियों ने लगाया, एक ये जम्मू चाय वाला हो गया, एक मदन लाल रेड़ी वाला हो गया, ये कुल्फी मटका गिलाब है, एक हमारे ये माटा साहब हो गए। अच्छा, अभी आप किसको सपोर्ट करते हैं, किसको चेयरपर्सन के चेहरे का मानते हैं कि दावेदार है? दावेदार तो जी हमारे हिसाब में आम आदमी का हो, कोई भी हो, आम आदमी पार्टी से कोई भी देखो साफ सभी का चेहरा हो। बता दूं कि जो राम प्रताप गुप्ता जी हैं वो भी तैयारियां कर रहे हैं, भी और भी हो सकता है कोई, ये तो मौके की बात है किसको आम आदमी टिकट दे। भाजपा क्यों नहीं? क्योंकि भाजपा को पहले विकास नहीं, कोई भाजपा के राज्य वो तो एक धर्म के नाम पर माना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में ऐसे में बांट दिए मार्ग है, कौन सी मस्जिद गिरा, कौन सा मंदिर गिरा, ये कोई बात थोड़ी है। जो ठीक है भैया, हम भी हिंदू हैं, वो भी हमारे भाई हैं, जिस देश में रह रहे हैं भी सांझे तौर पर, तो भाजपा का नहीं लगता भाई इसे ऐसा नहीं भाई, हम जो एक फूट भाव राजनीति का ये नहीं है भैया, तो एक भैया एक धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। जी क्या नाम है आपका? वीरेंद्र माटा। तो नगर परिषद के चुनाव का आगाज हो चुका है और तारीख भी डिक्लेयर हो चुकी है, किस प्रकार से देखते हैं कि कौन विकास करवा सकता है? विकास के लिए तो सिर्फ चौधरी रणजीत सिंह सुरजेवाला हैं कैथल में बस जी, और तो किसी भी राज्य में कोई विकास नहीं हुआ। क्या लगता है किसको टिकट मिलेगी और किसकी? जिसको भी आशीर्वाद देंगे वो बनेगा 100%। जन जन की आवाज़ है इस टाइम। अच्छा, ये नहीं हो सकता कि मतलब भाजपा के राज्य में नहीं हो सकता, क्या क्या लगा कि भाजपा वालों को भी मौके मिले और पर फिर मौका मिला काम तो नहीं कर पाए जी, तो बिल्कुल साफ तौर पर नकार रहे हैं। मैं क्या नकार रहा हूँ? आप पूछो पब्लिक से, कांग्रेस से क्या लगता है किस कौन है टिकट का दावेदार, कोई नाम हो आपके? नाम तो जिसको चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला आशीर्वाद देंगे वही कैंडिडेट है और वही बनेगा 100%। लिख के ले जाओ मेरे से, लिख के ले जाए पूरी शर्तियाँ बिल्कुल। जो पहले चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने जितना काम करवाया है आप उसको रख के देखो साथ में, कहाँ पर कंपेयर होता है, कहाँ खड़े होते हैं जी। पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक को मूलभूत सुविधाएं चाहिए, विकास चाहिए। अब ये देखो कि आप सफाई तक नहीं होती, चेयरमैन आएगा तो आपकी सभी समस्या का निवारण हो गया नहीं या शहर का विकास हो गया कि नहीं? शहर का पहले तो कोई विकास हुआ नहीं। अच्छा। क्यों? शहर की सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, कोई सफाई वगैरह कोई कुछ नहीं, जहाँ देखो कूड़ा करकट मतलब कोई मतलब है नहीं, सब सड़कें टूटी पड़ी हैं जी। कोई मतलब शहर के अंदर कोई सड़क ऐसी जहाँ नहीं टूटी, मतलब जो टूट गई मतलब कोई रोड बन गया तो बन गया, नहीं मतलब नहीं तो सफाई, कोई लाइटें वगैरह कोई दम नहीं है, तो लगता नहीं है। और अब क्या लगता है, अब हो सकता है कुछ? अब तो देखो आम आदमी को बनाओ जी। अच्छा, मैं खुद बीजेपी के प्रशंसक हूँ, पर अब नफरत होगी इनसे। अच्छा, क्यों हो गई है? बस
कोई नहीं, दम नहीं है इनमें, कोई दम नहीं है, मतलब लोग भ्रष्टाचार से तंग आ गए, कहते थे भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार नहीं है, नहीं है, हाँ। है बहुत भ्रष्टाचार। बीजेपी में किसको सपोर्ट करते थे क्या था लेवल पे अगर हम बात करें? पहले लीला राम था, उससे पहले था राव सुरेंद्र था, बड़ा सपोर्ट किया। खरे नहीं उतरे आप? खरा उतरा क्या मतलब, कोई खास तो विकास ही नहीं हुआ शहर में, कोई मतलब कुछ नहीं आया, कोई ना कोई सड़कें वगैरह, कोई कुछ नहीं। हम हैं तो बीजेपी के फैन। नगर परिषद के चुनाव में आप नहीं चाहते कि बीजेपी को मौका मिले? नहीं, अब तो आम आदमी को लगा जी, हर आदमी के दिमाग में आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी में कौन लगता है, किसके चर्चे हैं? चर्चा अभी तक तो कोई आई नहीं बात किसी की, मतलब जो भी आएगा जो आम आदमी का हो जाएगा काम।